हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजन्स, इक्विनॉक्सिस एंड सोलस्टाइस के बारे में। तो तीनों ही बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट कर दें, राइट? क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पेशली जो ये वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि है सीजन्स। तो सीजन मतलब मौसम, गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, पतझड़ आ रहा है, तो वो सब क्या है, हम सीजन्स के अंडर ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में बात करें तो सीजन्स क्या होते हैं, पीरियड्स इंटू विच ईयर्स कैन बी डिवाइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये वो टाइम पीरियड होता है, सीजन क्या होता है, वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम एक पूरे के पूरे साल को डिवाइड कर सकते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। जहाँ पे 6 महीने गर्मियाँ होती हैं वहाँ पे उसको विंटर, सॉरी समर सीजन बोल दिया। जहाँ पे 2 ही महीने गर्मियाँ होती हैं उसको 2 ही महीने को समर सीजन बोल दिया। अलग अलग जगह पे एक साल को हम डिवाइड कर सकते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, सीजन्स, राइट? सो अभी हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में। यहाँ से आपको पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कितने सीजन्स हैं। देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो 4 मेन सीजन्स हैं जो हम पढ़ते हैं, समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। समर हो गई गर्मियाँ, स्प्रिंग हो गया बसंत, ऑटम हो गया पतझड़, विंटर हो गया सर्दियाँ, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी अर्थ है। अब इसके बाद अभी तक हमने लैटिट्यूड्स नहीं पढ़ा है, तो आई होप आपको नहीं पता होगा, बट हल्का सा आइडिया तो आपको होगा, आपने 6th-7th class में पढ़ा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो है कुछ इस तरह से पैरेलल लाइंस में डिवाइडेड है, ठीक है? तो जो बिल्कुल सेंटर से होकर लाइन जाती है, ये सेंटर है अर्थ का, यहाँ से होकर जो लाइन जाती है उसे कहते हैं इक्वेटर। इससे ऊपर वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर है आर्कटिक सर्कल और यह है नॉर्थ पोल। वैसे ही इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2-3 वीडियोस के बाद मैं लैटिट्यूड्स पे एक वीडियो लाऊंगी, उसमें सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में ही पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। बट फिलहाल अब सीजन समझने हैं तो इतना सा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब एक चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लें, सन जो है इक्वेटर से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वापिस आता है, फिर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर वापस आता है, जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरह से ये इन 3 लाइनों के बीच में ही घूमता रहता है। कभी भी सन, वैसे तो चलिए अर्थ घूमती है, बट जिस वे में हम स्टडी करते हैं, सन कभी भी इससे ऊपर नहीं जाता, सन कभी भी इससे नीचे नहीं आता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट है हमारा स्प्रिंग। पहले हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टाइम पे क्या होता है, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर, सूर्य की किरणें डायरेक्टली जो हैं वो इक्वेटर के ऊपर होती हैं, ठीक है? तो इस मौसम को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न, ये होता है ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इससे इक्वेटर से नीचे वाला है साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, फिर जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो हमने नंबर वन में क्या पढ़ा, स्प्रिंग। इस टाइम में सूर्य जो है, सूर्य की किरणें डायरेक्टली जो हैं इक्वेटर के ऊपर होती हैं, तो इस मौसम को कहते हैं स्प्रिंग। ये मौसम आता है आपका 21 मार्च के आसपास। अब 21 मार्च का मतलब नहीं 21 मार्च, 17 मार्च है, 28 मार्च है, 10-12 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो मतलब स्प्रिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद नंबर वन से नंबर टू है, यहाँ पे नंबर टू है सन, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे क्या होगी, गर्मी आ गई, सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुँच गया है, और ये कब होता है, 21 जून के आसपास होता है। 2 के बाद हम वापस गए 3 पे, 3 का मतलब है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, ऑटम, ऑटम रिटर्न्स टू इक्वेटर। इस टाइम पे सूर्य वापस इक्वेटर पे आ जाता है और इक्वेटर पे फिर से सीधी किरणें जो है पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 23 सितंबर से। 3rd के बाद 4th यानी सबसे नीचे, इस टाइम पे सन जो है वो कैप्रिकॉन के ऊपर आ गया है, विंटर डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसके ऊपर आ गया है, ठीक है? 22 दिसंबर इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब सन कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, तो यहाँ पे क्या सर्दी होगी, जब सन यहाँ पे होगा तो गर्मियाँ होंगी, जब सन यहाँ पे होगा तो पतझड़, बसंत, वो सब कुछ होगा, है ना? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका काफ़ी जो है चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, दैट इट नेवर गोज अवे फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सूर्य जो है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे नहीं आएगा, बस इन्हीं 3 लाइनों के बीच में घूमता रहता है,
राइट तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था सीजन्स का वो हो गया है कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है इक्विनॉक्सेस के बारे में कि इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, सोलस्टाइज क्या होते हैं। राइट एक बार आपको फिर से कहना चाहूँगी, पेपर पेन उठाएं और नोट्स वीडियो देखते देखते बनाएं, क्योंकि होता क्या है ना, हम सोचते हैं बाद में नोट्स बनाएंगे और वो बाद कभी नहीं आता। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी एंटायर गवर्नमेंट सेक्टर की जर्नी में, और हम इसी पार्ट को स्किप कर देते हैं, तभी हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फाइन, हम बात कर रहे थे इक्विनॉक्सेस के बारे में। सो आगे चलने से पहले आपको ये से एक चीज़ और बतानी है, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपसे यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में इट वुड बी बेटर इफ़ यू परचेज माई हैंड रिटन नोट्स। राइट, फाइन, अब हम बात करेंगे इक्विनॉक्सेस के बारे में। जब आपको सीजन्स का समझ आ गया तो मतलब आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई। तो इक्विनॉक्सेस का मतलब है डेज व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, वो दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस डेज द सन शाइंस डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर, ये वो दिन होते हैं जब सूर्य इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है। देखिए जरा, सूर्य इक्वेटर के ऊपर कब होता है, 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर को होता है, बस ये दो डेट्स याद रखिए। अब यहाँ पे आइए आप वापस इक्विनॉक्सिस पे, हमने क्या जाना कि दिन और रात इक्वल होते हैं और सूर्य जो है इन दो दिनों में इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है। तो बस यहाँ पे आ गया वर्नल इक्विनॉक्स और एक आ गया ऑटन इक्विनॉक्स। ठीक है, तो ऑटम वाला आप देख सकते हैं 23 सितंबर और वर्नल वाला आप देख सकते हैं दूसरा 21 मार्च। दोनों टाइम में स्प्रिंग और ऑटम में क्या होता है, सूर्य इक्वेटर के पास होता है, बस वही चीज़ यहाँ पे कही है। तो इक्विनॉक्सेस हो गया हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोलस्टाइज के बारे में। तो सोलस्टाइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या होता है। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स इज द लार्जेस्ट, ये साल का वो टाइम होता है जिस टाइम में दिन की जो लेंथ होती है और रात की जो लेंथ होती है उसमें सबसे ज़्यादा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन बहुत छोटे हैं, रात बहुत लंबी है, ऐसा कब होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। इस टाइम पे सन शाइन्स होगा, यहाँ पे इस टाइम पे सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक्स, सूर्य जो है वो डायरेक्टली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इन दोनों के ऊपर रहता है। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, समर सोलस्टाइस बोलते हैं, विंटर सोलस्टाइस बोलते हैं। गर्मियों में वो दिन कब होता है जब दिन और रात में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और सर्दियों में वो दिन कब होता है जब दिन और रात में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अब हमें चाहिए कि वो ट्रॉपिक्स के ऊपर हो सन। अब हम वापस आएंगे अपने डायग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है 21 जून को, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है 22 दिसंबर को। 21 जून 22 दिसंबर याद रखना है, और यहाँ पे देखिए 21 जून 22 दिसंबर हो गया। तो जिसको वो जो ये वाला देखिए इक्विनॉक्सेस है, सोलस्टाइस है, किस पे सारे डिपेंडेंट है, इस डायग्राम पे डिपेंडेंट है। जिसको ये दिमाग में बैठ गया ना, बस उसको सब याद हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने नोट्स बनाया नहीं बनाया, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी। एंड आगे चलने से पहले एक चीज़ और, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मेरे अकाउंट में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो करना है। राइट, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट अगर वो भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, तो वो यहाँ आके पढ़ सकें और उनको भी हैंड रिटन नोट्स मिल सकें जिससे उनके भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।